गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखो चैप्टर नंबर 5 था अपना इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। इसके लिए मैंने 5 थ्योरम की थी, इससे पहले कुछ एग्जांपल भी किए थे। उसके बाद में एग्जांपल नंबर 1 में अपन फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसमें था इफ मैट्रिक्स ए इक्वल 1 3 2 4 देन फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ए फाइंड करना था, जो कि अपन ने इससे बी क्लासेस में किया था, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन है अपने पास में प्रूव दैट ए प्रोडक्ट है, यहाँ इसका मीन्स यहाँ प्रोडक्ट है एडजॉइंट ए इक्वल डिटरमिनेंट ए आई टू इक्वल एडजॉइंट ए, और यहाँ पर अपने पास में है प्रोडक्ट और ये क्या है ए। तो सेकंड क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले, इसके लिए देखो फर्स्ट अपन ने कर दिया था, यहाँ सेकेंड का सोल्यूशन करेंगे। तो देखो अपने पास में ये है ए एडजॉइंट ए इक्वल डिटरमिनेंट ए आई टू इक्वल एडजॉइंट ए और प्रोडक्ट ए। सबसे पहले मैं ये फाइंड करूंगी एडजॉइंट ए। तो देखो एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स दी हुई है इस मैट्रिक्स को लेंगे अपन, तो ए इक्वल 1 3 2 4 ये है अपने पास में। इसका मैं क्या करूंगी को फैक्टर फाइंड करूंगी इनके, ठीक है। तो मुझे यहाँ से को फैक्टर फाइंड करना है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि एडजॉइंट फाइंड करना होता है। तो क्या होता है, सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स दी हुई होती है उसके क्या करते हैं को फैक्टर फाइंड करते हैं। को फैक्टर फाइंड करने के बाद में उसका ट्रांसपोज करते हैं, और ट्रांसपोज करने के बाद में जो भी वैल्यू बनती है अपने पास में वो क्या होता है उसके को फैक्टर हो जाते हैं यहाँ पर, यानी एडजॉइंट ए हो जाता है। अब देखो को फैक्टर ओ यहाँ पर ये F11, ये F12, ये F21 और ये F22 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ A12, A21, A22 मैट्रिक्स ही है, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ A11 और अपने पास में इसकी वैल्यू क्या है, अपने पास में 1 है, 1 के लिए फाइंड करना है। तो ये रो और ये कॉलम बचा कितना, 4। अब आपको एक बात बता दो, यहाँ से सबसे पहले देखो को फैक्टर फाइंड करते हैं तो इनके सिंबल अपने को पता है, ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस और ये क्या होता है आपका प्लस, क्योंकि 2 × 2 के लिए यही था। तो यहाँ से देखो सबसे पहले 1 के लिए फाइंड किया तो क्या है प्लस की थी, ओके। सेकंड देखो को फैक्टर फाइंड करेंगे, को फैक्टर ऑफ किसके लिए A12 के लिए, और A12 की वैल्यू अपने पास में कितनी है 3 है, इसके लिए फाइंड करना है यहाँ से। तो देखो यहाँ से ये रो जाएगी और ये कॉलम, तो बचा कितना अपने पास में 2, और यहाँ देखो इसकी क्या रहा है माइनस, तो यहाँ से क्या जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ से को फैक्टर फाइंड करेंगे, को फैक्टर ऑफ किसके लिए A21 के लिए यही है, और A21 के लिए कितना है 2 है, इसके लिए फाइंड करेंगे तो आपको पता है रो तो आपकी ये बन जाएगी यहाँ 3 है, और कॉलम आपका कौन सा बन जाएगा ये, तो देखो बचा कितना 3, और यहाँ देखो इसके लिए क्या आता है माइनस, ओके। अब देखो नेक्स्ट अपन को फैक्टर फाइंड करेंगे, तो को फैक्टर ऑफ किसके लिए A22 के लिए, और A22 की वैल्यू कितनी अपने पास में 4 है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, यानी कि ये रो हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा कॉलम, बचा कितना अपने पास में 1, और 1 देखो यहाँ पर इसके किसका अपने पास में प्लस का, तो ये प्लस की वैल्यू रह जाएगी। को फैक्टर फाइंड कर लिए, उसके बाद में अपन देखो यहाँ से वो बनाएंगे मैट्रिक्स, तो क्या बनेगी कोफैक्टर के लिए, सबसे पहले A11 कितना आया 4, A12 कितना आया -2, A21 के लिए कोफैक्टर कितना आया -3, और A22 के लिए कोफैक्टर कितना आया 1, ठीक है। उसके बाद क्या कहा था, कोफैक्टर फाइंड करने के बाद उसका क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज। तो देखो ट्रांसपोज करेंगे, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स है यानी उसके को फैक्टर फाइंड करने के बाद में मैंने कुछ एग्जांपल में यानी जो समझाए थे आपको उनमें इसको डिनोट कर दिया था, जैसे कि से बी से, इसे कर दिया था बी से, फिर मैंने क्या किया था यहाँ से बी का ट्रांसपोज कर दिया था, तो 4 − 2 − 3 − 1 इसका क्या करेंगे यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे, पहले ये बी है अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो देखो आपके पास में क्या बनेगा यहाँ से ये रो है इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, तो 4 − 2 हो जाएगा, ये रो है तो -3 और क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये क्या बन गया, बी ट्रांसपोज बन गया, और बी ट्रांसपोज को अपन क्या बोल सकते हैं एडजॉइंट ए बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं एडजॉइंट ए,
इमेज आपके पास में है 4 - 3 - 1 ठीक है। तो एड्जॉइंट ए की इमेज अपने पास में आ गई है और यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ क्या है ए और ए की इमेज ऑलरेडी से क्वेश्चन में इन दोनों को क्या करेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखना इसमें आगे आपके पास में आई टू। इस
रूल ये है इसके इक्वल में भी ये आ जाना चाहिए और इसके इक्वल में भी ये आ जाना चाहिए, तो इससे तो आपका ये पॉइंट हो गया जो कि मैंने आपको शो कर दिया है। अब अपन इससे देखेंगे, तो अब देखो यहाँ से सबसे पहले इससे आगे करते हैं, अभी देखो अपन ने एडजॉइंट ए फाइंड किया था और एडजॉइंट ए की वैल्यू अपने पास में थी 4 - 3 - 2 - 1, ये किया था अपने एडजॉइंट ए, ठीक है, वो मैंने डायरेक्ट लिख लिया यहाँ से। उसके बाद देखो ये चल रहा है, तो अपने पास में एडजॉइंट ए और प्रोडक्ट ए है, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू अपने पास में ये है, ये मैंने यहाँ 4 - 3 - 2 और यहाँ 1, ओके, और यहाँ अपने पास में क्या है, ए है और ए की वैल्यू ये है यहाँ से 1, 3, 2, 4, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसको करेंगे, यहाँ 4 × क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ -3 को किससे करेंगे 2 से करेंगे, ठीक है, और यहाँ इसको करेंगे 4 × 3 हो जाएगा, तो 4 × 3 हो गया, और यहाँ देखो प्लस -3 को किससे करेंगे 4 से करेंगे, तो -3 × क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब देखो इसको इससे करेंगे तो -2 × हो जाएगा 1 प्लस यहाँ 1 को इस 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 2, ठीक है। अब इसको करेंगे इससे तो -2 × कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 × कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ओके, ये चल। अब देखते हैं यहाँ से देखो 4 × 2 = 4 + - 2 = 6 - 3 + 6 + 2 - 2 - 6 + 2 - 2 = 4 अब देखना यहाँ से इसमें आगे, अब देखना यहाँ से 4 - 6 - 2 = 12 - 12 कितना देगा 0, -2 + 2 कितना देगा 0 और यहाँ हो जाएगा -6, इसमें से भी -2 क्या हो सकता है यहाँ से कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1 0 0 1, ठीक है। अब देखो -2 अभी अपन ने फाइंड किया था डिटरमिनेंट ए की वैल्यू, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अपने पास में कितनी थी -2 थी, तो इसकी जगह मैंने डिटरमिनेंट ए पुट कर दिया और ये क्या है अपने पास में I2, ओके, इससे भी आपका कौन सा पार्ट आ गया, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, दो कर दिए इसमें, थर्ड और है अपने पास में, इसी का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब देखो अपने पास में इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए प्रोडक्ट एडजॉइंट ए की वैल्यू आई थी डिटरमिनेंट I2 और एडजॉइंट ए प्रोडक्ट ए इसकी वैल्यू आई थी डिटरमिनेंट I2, जैसे इसी क्वेश्चन को मैंने फर्स्ट डाल दिया, इसको क्या डाल दिया सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से देखो यहाँ से ए एडजॉइंट ए इक्वल डिटरमिनेंट I2 इक्वल एडजॉइंट ए और ए, यानी पहले ए हो उसको अगर एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद ए हो उसको भी एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों से अपने पास में ये सॉल्यूशन भी आता है, यही अपने को क्वेश्चन नंबर सेकंड में प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड ए इनवर्स, इसी में थर्ड है ए इनवर्स फाइंड करना है, तो देखो सबसे पहले एडजॉइंट ए अपने पास में फाइंड किया था तो ये आया था, ठीक है। अब एक बार यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन देखना, थर्ड में ए इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको थ्योरम में इसका फॉर्मूला जो बताया था वो अपने पास में था एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए, एडजॉइंट ए अपॉन में क्या बताया था डिटरमिनेंट ए, ये इसके लिए फॉर्मूला होता है। बी इनवर्स आएगा तो यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ भी क्या आएगा बी आएगा, अगर यहाँ पर ए बी इनवर्स आ जाएगा तो यहाँ ए बी आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा, जो यहाँ पर होगा वो ही यहाँ चेंज हो जाएगा, ओके। अब देखना एडजॉइंट ए की वैल्यू अपने पास में है 4 - 3 - 2 - 1 इंटू यहाँ एक तरीके से ये क्या है अपॉन में डिटरमिनेंट ए है और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अपने पास में देखो कितनी है माइनस की कितनी थी 2 फाइंड की थी, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अपने पीछे की थी कितनी माइनस के 2, तो यहाँ लगा दिया माइनस के
देखना, इसका मीन्स ये है, इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, वन अपॉन माई डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ क्योंकि वन अपॉन माई डिटरमिनेंट ए है इंटू एडजॉइंट ए लिख सकती हूँ, और इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो आपका यही टर्म रिटर्न आएगा, ठीक है। तो देखो मैंने इसी को इसी के अकॉर्डिंग सेट कर दिया, तो वन अपॉन माई डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है, माइनस टू है, और ये है फोर माइनस के थ्री माइनस के टू, ठीक है। अब आपको मैट्रिक्स वाले चैप्टर में बताया था इनको मल्टीप्लाई करना, तो देखो वन अपॉन में माइनस टू इंटू फोर, ये टर्म इससे भी होगा, एक बार मैं दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वन अपॉन में माइनस टू इंटू माइनस थ्री, इसको करेंगे तो वन अपॉन में माइनस टू इंटू माइनस टू, और इसको करेंगे तो वन अपॉन में माइनस टू इंटू अभी यहाँ से
सबसे पहले मैंने डिटरमिनेंट का सिंबल यूज किया। अब देखो क्या होता है, 2 into 2 के लिए प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगनल तो क्या हो जाएगा 1 into 4 माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऑफ डायगनल 2 into क्या हो जाएगा 4 माइनस 56 इधर हो जाएगा माइनस 50। कहने का मीन माइनस 2 नॉट इक्वल क्या है 0 है। तो आपका क्या आ गया ए इनवर्स इस कंडीशन में क्या होगा आपका एलजी। ट्रांसपोज
क्योंकि ए ट्रांसपोज के लिए फाइंड किया था, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ से, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, उसकी वैल्यू अपने पास में आ गई यहाँ से 4 - 2 - 3 और क्या गए। अब क्या करेंगे यहाँ से अपन, देखो यहाँ इसमें लगाएंगे और डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज आपका कितना है -2 है, तो देखो अब यहाँ से यहाँ है ए ट्रांसपोज -1 इक्वल एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज 4 - 2 - 3 1 ठीक है, अपॉन यहाँ क्या है ए ट्रांसपोज है और ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है -2। अब मैं इस फॉर्मूले को देखो यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, 1/4 में ए ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ए ट्रांसपोज ये कर सकती हूँ, तो देखो इसको भी क्या लिखूंगी 1/4 में -2 और यहाँ आ जाएगा 4 - 2 - 3 और। अब देखो इसको आगे, अब देखो यहाँ से इसको करेंगे तो 1/-2 - 4 हो जाएगा और यहाँ से देखो 1/-2 - -2 जाएगा ठीक है, और यहाँ से इसको करेंगे तो देखो एक बार यहाँ ऊपर साइड कर देती हूँ इसकी जगह यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ से ये था -1/2 - 4 और 1/-2 - 2 और इसको करेंगे तो यहाँ आएगा -1/2 - -3 और ये 1/-2 - 1। अब देखना एक बार ये से कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा -2, ये से कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा 1 क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 3/2 और ये कितना बचेगा -3/2 क्योंकि 1 को 1 से करेंगे कितना आएगा 1 नीचे कितना है -2, उसको क्या लिख सकते हैं -1/2 लिख सकते हैं। तो देखो अब हमारे पास में देखना एक बार आपका क्या आया, ये आपकी वैल्यू आई है देखना एक बार किस, ये आपकी आई है इसकी वैल्यू, तो आपके लिए आया है ए ट्रांसपोज इनवर्स इक्वल आपका यह आ गया ठीक है, और ए इनवर्स ट्रांसपोज अपन ने फाइंड किया था वो देखो क्या था, तो देखो अभी अपन ने ए इनवर्स ट्रांसपोज फाइंड किया था इससे पहले इसकी वैल्यू भी तो फाइंड की थी, तो उसकी वैल्यू अपने पास में ये आई थी, इसको जैसे मैंने एक क्वेश्चन फर्स्ट पर डाल दिया आप पीछे देखोगे वीडियो में तो आपको मिल जाएगा ठीक है, और ए ट्रांसपोज इनवर्स अभी अपन ने फाइंड किया था तो ये अपने पास में आया है ये, इसको डाल देना एक क्वेश्चन सेकेंड। अब देखना अपन यहाँ से करेंगे फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से करेंगे तो देखो ए इनवर्स ट्रांसपोज इक्वल ये आ रहा है और ये दोनों क्या है सेम है, तो इन दोनों से ही आपका ए ट्रांसपोज इनवर्स आपका यानी ए इनवर्स ट्रांसपोज ये है और ए ट्रांसपोज इनवर्स आपका वो है, तो दोनों में जो आप देख सकते हो -2 है यहाँ पर भी -2 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, यहाँ 3/2 है और यहाँ पर भी 3/2 है, -k 1/2 है और वहां पर भी क्या -k 1/2 है ठीक है, तो दोनों से अपने पास में सेम वैल्यू आ रही है तो इन दोनों से ये आपका ट्रू हो गया ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है ए इनवर्स कैसे फाइंड होगा, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा इसमें डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपको चेक करनी पड़ेगी, डिटरमिनेंट आपका किसके इक्वल नहीं होना चाहिए यानी डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल 0 और ये किसके लिए कंडीशन होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होती है, तो आपका सबसे पहले ये चेक करना, ये चेक करने के बाद में आपको जैसे ए इनवर्स फाइंड करना है इसके लिए फॉर्मूला बना देना एडजॉइंट ए अपॉन में क्या हो जाएगा ए डिटरमिनेंट ए हो जाएगा, अगर यहाँ भी है तो